तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? क्योंकि तुम्हारे बिना ये केस सॉल्व नहीं हो सकता। 10 साल से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बस यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। तुम अगर दिल से ठान लो, बात में कोई शक नहीं कि कप्पू काली को हम हरा सकते हैं। सर फाइल। हाँ, ये तुम्हारे सामने है इस पूरी केस का डिटेल। इसकी शुरुआत होती है सीना अलियास दुबई सीना से। अलमास से लेकर माजा करे यानी पूरे अरब में इसका दबदबा है। करावली में चल रहे 80% स्मगलिंग में इसी का हाथ है। इसके ऊपर कुल 16 केस हैं। इसे देखो, मुझे यही क्वालिटी चाहिए। एक केस के संबंध में जब इसका अरेस्ट वारंट निकला तो इसने गांव छोड़ दिया और इस ऊंचाई पे पहुंच गया। तुझे एक फोटो भेज रहा हूँ, मुझे ये हीरा कैसे भी चाहिए, समझ गया ना? आज सीना हमारे डिपार्टमेंट के लिए मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। 10 साल से परेशान हो रहा हूँ मैं और वो वहाँ आराम से काम कर रहा है। सो आवर सेकेंड लिस्ट, मंजुनाथ अलियास हैबिट मंजा। तुमने जिस हीरे की फोटो मुझे भेजी थी वो मुझे मिल गई, अब सब मुझ पे छोड़ दो। मंजा, ये वाली डील होगी 50-50 में। यहाँ तो ये जमीन का कारोबार करता है लेकिन इसका मुख्य काम है दुबई में बैठे चीनों के साथ मिलके पुराने जमाने की मूर्तियों की सप्लाई करना। इसका क्या करूँ ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तीसरी लिस्ट में है बाबू राज अलियास बाटली बाबू। ये हर तरह के 2 नंबर का काम करता है। इसकी आदत है बॉटल यानी बाटली फोड़ के मारना, इसलिए बाटली बाबू कहलाता है। ये बाटली बाबू गांव में हर तरह के इलीगल काम करता है। हैबिट मंजू के लिए कमीशन बेसिस पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उसे बेचता है। अपनी चौथी लिस्ट है गोली अलियास नागराज गोली। इस जगह का पूरा काला धंधा, काला काम या बिना सामने आए चुपचाप करता है और अगर उसमें प्रॉफिट नजर आए तो तीसरे आदमी की तरह सामने आकर बाबू को अपने साथ मिलाकर काम करता है। इट्स अ टोटल लिंक कमीशन बेसिस बिजनेस। डिपार्टमेंट में मुझे छोड़कर इसके बारे में किसी और को कोई जानकारी नहीं है। सो आई होप सक्सेस तुम्हारे कदम चूमेगी। गुड लक फॉर योर वेंचर, टेक इट। नमस्कार दामोदर, बहुत दिनों के बाद याद आई। कुछ नहीं पंडित जी, बस ऐसे ही जरा तकलीफ होती है तभी हमारी याद आती है। बात यह है कि बेटे की जन्म पत्री दिखानी थी। लड़के की शादी वादी करवाने का है क्या? ऐसा कुछ नहीं है पंडित जी, बस इधर उधर घूम के लड़कियां पटाते फिरता है। उसका उपाय क्यों नहीं करते? उसी का कोई उपाय ढूंढने आपके पास आए हैं। दामोदर, तुम पहले जैसे पुराने ख्याल के ही हो। अभी के बच्चे जल्दी सब कुछ कर लेते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं, तुरंत कर लेते हैं। अच्छा, ये लड़का तुम्हें कहीं पाया हुआ है ना? कुछ भी होने दो, पर लड़का ही है ना? सही है। हमारे नसीब बहुत अच्छे थे पंडित जी, तभी हमें ये बेटा प्राप्त हुआ। जब से वो हमें मिला है हमारे सारे दुख दूर हो गए हैं। सब ठीक हो गया तो फिर तुम लोग इधर क्यों आए? हमारा सब ठीक है पर वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना। अरे भाई, तुम ऐसे घुमा फिरा के बात मत करो, जो है वो सब मुझे बताओ। मेरे बेटे को पुलिस बनने का बहुत शौक है, पढ़ लिख कर उसे पुलिस ही बनना है। अगर पुलिस वाले कुछ मांगने आए तो उन्हें ये मारने ही जाता है। सबसे होशियार लड़का था दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं जो उसे ना आता हो। पर क्या करूं, आप ही कुछ सुझाइए पंडित जी। अच्छा, वो बच्चा तुम्हें मिले हुए कितना समय हो गया? 15 साल हो गए है ना? हाँ, करेक्ट करेक्ट। उसके ऊपर शनि की 7.5 लगी हुई है। ये कोई भी काम का रास्ता पकड़ेगा उसमें इसका बहुत ही बड़ा नाम होगा, पर वो कौन सा रास्ता पकड़ेगा वो मेन है। तो इसका कोई उपाय नहीं है क्या पंडित जी? उपाय है, रुक। इसका उपाय है 26 खत्म होते ही 27 की सुबह लगते ही। क्या होगा? गुरु भल्लवा, फिर उसका जीवन आसानी से बीतेगा। एक बात बोलता हूँ दामोदर, वो 5 शक्तिशाली जैसा है, वो सब छोड़, वो शक्तिशाली है कहाँ? जा।
सोच रही थी बच के भाग जाएगी। नारियल के तेल की जबरदस्त खुशबू आ रही है भाई, उसके बालों के तेल की खुशबू है। छोड़ मुझे, बकवास करी तो सीधा मुंह तोड़ दूंगा। खुद को क्या बड़ा विलन समझता है, जरा मुझे हाथ लगा के तो देख, फिर देखती हूँ। घासले डाल के कपड़ा बांध के आग लगा दूंगा, समझी? छोड़ो से, चलो निकलो यहाँ से। लड़की को छेड़ता है, जाओ। इज्जत विज्जत है कि नहीं? बेशर्म की तरह कुछ भी कर रहे हो। ऊंची आवाज में बात करने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखते उठा के, यही आया था ना तुझे बचाने के लिए। अब कौन सा हीरो आएगा तुझे बचाने के लिए, मैं भी देखता हूँ। कोई चांस नहीं है। कुकु। ये क्या नाटक कर रहा है, मुर्गे के जैसा कटेगा। ए, ए, कर ले डील। देख ले बेटा, आज तेरी राख होने वाली है। देख लेंगे, देख लेंगे। मजा भी होगा, सजा भी होगा, मेरे हाथ से जो भी होगा अच्छा ही होगा। अरे तू जरा पीछे तो देख। है? है? क्या पीछे देख लगा रखी है? मैं इस बच्चे से डरूंगा क्या? अच्छे से बोला तो तुझे समझ में नहीं आ रहा, कौन सी भाषा में समझाऊं? अरे तू मुझे क्या समझाएगा रे, भाषा भाषा की छोड़, जरा हाथ पांव चला, आजा देखे कितना है दम। दिखा दिखा। तुझे तेरे ही भाषा में समझाना पड़ेगा, बहुत दिखा दिखा बोल रहा है ना, अभी दिखाता हूँ तेरे को मैं। अरे यार ये तो बता दे, तू कौन से गांव से आया है? कुंदापुर गांव से आया हूँ मैं। लड़की छेड़ेगा मेरा सिर। बासु दोस्ती। जैसा मैंने सोचा था वैसा मेरा काम हो गया। वो सब रहने दे बेटा, टेबल के नीचे से कितना लिया? 10 लाख, जो नॉर्मली लगता है। अच्छा ये बता, इतने दिनों से तू इसके पीछे लगा हुआ है, तेरा कुछ भला हुआ या नहीं? मैं समझ गया, अब मेरी बात सुन, लड़कियां अपने पीछे आनी चाहिए, हमें उनके पीछे नहीं जाना है। हम उनकी इज्जत करते हैं इसीलिए हम उनके पीछे जाते हैं, रास्ते में हमें देख के हंस के जाती है। अच्छा मेरी एक बात सुन, अभी जो जाना चाहता है उसे जाने देते हैं, उसे अपन बाद में संभाल लेंगे। एक छोटा सा काम पेंडिंग है तो चल के पहले उसे पूरा करते हैं। ये
ये रहे बेल के पेपर्स, इसे रिलीज करो। ये सब बातें करनी है तो अंदर जाके बात करो। आज तक मैं कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं गया और जाऊंगा भी नहीं। हेलो, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। अपॉइंटमेंट लिए तुम्हें एक ही दिन हुआ है और तुमने अरेस्ट करना भी शुरू कर दिया। उसे अभी इसी वक्त छोड़ो। इस गांव में रहना है तो उसे छोड़ दो। टेक द बेल एंड रिलीज देम। पहले गलती है इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, आगे से ध्यान रखना। मुर्गी को काटने से पहले कैसे उसे तड़पाते हैं और कैसे उसकी मुंडी धड़ से अलग करते हैं ये मैं तुझे बता दूंगा। बड़ा आया अरेस्ट करने। चल रे गाड़ी निकाल। अरे प्रदीप, तू इधर माता, टिकट कटवा रहा हूँ, दुबई चला जा। तीनों से मैं बात कर रहा हूँ, तू अगर इधर दिखेगा तो हम लोगों की तकलीफ बढ़ती रहेगी। मैं जो कह रहा हूँ वो तू समझ गया ना? हाँ समझ गया। माँ, आज ही सुनते हैं भास्कर आ गया। उसको उधर ही रोको, मैं आरती लेकर ठीक है। आरती ले लो। क्या माँ ये सब? बेटा तू हमेशा खुश रहे, तुझे कभी कुछ ना हो, आज तेरा जन्मदिन है। ऐसा क्या? हाँ बेटा, हमारे घर में आए हुए तुम्हें पूरे 15 साल हो गए। मेरे आगे ना पीछे मेरा कोई नहीं, ऐसा बोल के दिल मत दुखा मेरा। आप मुझे भगवान की तरह मिले, किसी जन्म का पुण्य होगा मेरा, मैं खुश हूँ। आज तक मैंने जो मांगा आप लोगों ने दिया, अब देने की मेरी बारी है। हाँ बेटा, इधर आकर बैठ, बैठ जा भास्कर। तू तो देख ही रहा है ना, इतने साल गुजर गए पर तू कौन है, तू क्या करता है, मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं पूछा, पर आज तू अपनी कहानी हमें बता दे। मेरा एक छोटा सा खुशहाल गांव था, उसमें मेरा छोटा सा परिवार, मैं, मम्मी, पापा, दादा। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे पापा बहुत खुश हुए थे और दादा ने खुश होकर पूरे गांव में बताया कि लड़का पैदा हुआ है। ये देख, बहुत सुंदर बच्चा है। अरे देखो कितना सुंदर है। भास्कर मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा भास्कर, हो गया बेटा, रोना मत रोना मत। हो गया भास्कर, आजा बेटा। मेरी माँ चाहती थी कि मैं पुलिस बनूं और ये सुन सुनकर मेरे अंदर भी पुलिस बनने की इच्छा पैदा हो गई। अरे क्या खिला रही हो अपने लाडले को? इसे पूछिए तो ये क्या बनेगा, बड़ा होके क्या बनेगा भास्कर? पुलिस ऑफिसर। मेरी कुंडली लेकर वो ज्योतिषी के पास गए और उन्हें मेरी जन्म पत्री दिखलाई। मेरी जन्म पत्री देखने के बाद ज्योतिषी ने कहा कि ये कोई साधारण जन्म पत्री नहीं है, बल्कि पूरे लोक को घुमाने वाला जन्म पत्री है। पता नहीं उनके बोलने का समय खराब था या फिर मेरा नसीब ही खराब था। मेरे पापा हम सबको छोड़कर चले गए। क्या हुआ तुझे? बिना बाप के बच्चे को ये दुनिया कैसे देखती है ये भी पता चल गया। उस दिन से सब मुझे अलग नजरिए से देखने लगे, सब मुझे अपने से दूर करने लगे। सिर्फ मेरी माँ थी जो हमेशा मुझे हिम्मत दिया करती थी। दिन महीने साल गुजरते गए पर परिस्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता, सब मुझसे अलग अलग रहते। गांव में कुछ गलत होता तो लोग मुझ पे इल्जाम लगाते थे। कोई बच्चा गलती करे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वो गलती कर सकता है, लेकिन मेरी गलती पर मुझे लटका कर पत्थर मारते थे और ये सब कुछ मैं सहता जा रहा था। मेरी जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन, उस दिन हमारे गांव का एक चोर जिसका नाम सीना था, गांव के मंदिर से भगवान की मूर्ति जो पुरातन काल की बनी थी उसे चोरी करके भाग रहा था।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चोर, चोर, पकड़ो इसे, चोर, पकड़ो इसे, हे भगवान, चोर, चोर, पकड़ो इसे, छोड़ मुझे, निकल यहाँ से, मंदिर में चोरी करने आ गया, अरे रोको इसे, पकड़ो कोई, क्या हुआ, क्या हुआ आपको? क्या हुआ भास्कर? क्या हुआ आपको भास्कर? वो चोर भगवान की मूर्ति चुरा रहा था, पकड़ो उसे, जा बेटा, पकड़ो, जल्दी जाओ, जाओ, नहीं तो वो उसे पकड़ लूंगा। ये सोचकर मैं उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। इससे पहले कि मैं उसे पकड़कर गांव वालों को बुलाता, उसने चोरी का सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया और उस चोर की बातों पर गांव वालों ने आसानी से विश्वास भी कर लिया। मैं सच्चाई बताने के लिए अपने घर की तरफ भागा, लेकिन इससे पहले वो सारी बातें मेरे घर तक पहुंच चुकी थी। मेरी माँ भी मुझे गलत समझने लगी थी, इस बात से उन्हें बहुत दुख पहुंचा था। माँ, माँ, मैंने कुछ नहीं किया। भास्कर, ये क्या करके आया तू? अरे बोल ना माँ। अरे तू तो बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बनने वाला था। मैंने कुछ नहीं किया। चोर कैसे बन गया? चला जा, चला जा मेरी नजरों से दूर, मुझे तेरी जरूरत नहीं देगी। माँ मेरी बात तो सुनो। चला जा। अम्मा निन्ना नंबिद कंगड़ा तब्बलिया माड़बेड़म्मा कड़लो उस दिन से मैंने सोच लिया कि अब मैं मुंह दिखाऊंगा तो पुलिस बनने के बाद ही दिखाऊंगा। वो गांव छोड़कर मैं इस गांव में चला आया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे आप मिले और मुझे अपने बेटे के जैसा प्यार दिया। बचपन में जो भी गलत या सही था वो रास्ता आपने मुझे दिखाया। बेटा, तू मुझे छोड़ के क्यों चला गया? माँ, बेटा, तुझे अपनी माँ की याद आई क्या? भास्कर, तुम्हारी कहानी इतनी दर्द भरी होगी मुझे नहीं मालूम था। मुझे बच्चा नहीं है, इसलिए भगवान ने ही तुझे मेरे पास भेजा है। तुम्हारे जैसा बेटा कभी पैदा हो भी नहीं सकता है भास्कर। भास्कर बेटा, जन्मदिन पर आंखों से आंसू नहीं निकालते। माँ, बाबूजी, मुरली, कोई बात है क्या? आज भास्कर का जन्मदिन है। भास्कर, तूने बताया ही नहीं। अरे माँ, ये लो मिठाई, मेरी जॉब लग गई है। माँ, आशीर्वाद दो। भगवान तेरा भला करे। बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम्हें खुश रखे। मैं तो अभी भी से बोल रहा हूँ, 10 लाख रुपए का इंतजाम कर, पुलिस की जॉब आसानी से मिल जाएगी। मेरी बात सुनता ही नहीं है। अरे तू बस पैसे का इंतजाम कर, सब काम हो जाएगा। ना, चल, चल, चल। आप ही उसके लिए कुछ कोशिश कीजिए ना। सुन, उसने जो समय दिया था वो पूरे हो गए, अब वो नहीं आएगा। वो जहाँ भी मिलेगा उसे मुर्गी की तरह कट दूंगा, कट दूंगा, कट दूंगा, कट दूंगा। वाला पीस रहने देना। पीस अच्छा रहेगा तो खाना बनाने के काम आएगा, खाने में मजा भी आएगा। पीस को अगर किसी ने भी हाथ लगाने की हिम्मत की तो उसका हाथ काट दूंगा। मैं तो हाथ लगाऊंगा। चुप हो जा, चुप हो जा। क्या मैं तुम लोगों को मुर्गी बेचने वाला दिखता हूँ? पैसा बनाऊंगा और तुम लोग कहोगे मेरा बॉस बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसे हैं।
देखो कैसे शान से आ रहा है, बुलेट के ऊपर बैठा हुआ। भाई पैसे की थैली नहीं दिखाई दे रही है। पैसे की थैली नहीं दिख रही है तो क्या हुआ, वो चेक देगा हमें। तुम लोगों में बॉस कौन है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे नहीं पहचानता। बॉस तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम पूछ रहे हो बॉस कौन है। मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तुमने मुझे मारा? तुम बहुत बुरे इंसान हो। ऐसे कोई आके मारता है क्या? आखिर तुमने मुझे क्यों मारा भाई? मुझे तुम लोगों को देखकर डर लगता है। डर लगता है? इतना बड़ा है और हमसे डरता है? अरे भाई तुम्हें डराया किसने? दो तीन दिन पहले बस स्टॉप पे झगड़ा किया था, याद है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तूने इस मोस्ट वांटेड से पंगा लिया? आइस कैंडी चिप, बढ़िया करके देखेगा। आम को जैसे चूसते हैं हमें भी वैसे चूसेगा क्या? तुम लोग मेरी इज्जत खराब क्यों कर रहे हो? कल सूरज डूबने के बाद और सुबह होने से पहले हमें पैसे लाकर दे देना, समझ गए? इसका मतलब तुम उसके आदमी हो? नहीं, मेरा उसे कोई संबंध नहीं है। तो फिर तुमने मेरे गाल पे चाटा क्यों मारा? आसमान की तरफ देखो। कुछ याद आ रहा है कि क्या डाला था? अगर तूने मेरे दिए हुए टाइम पर पैसे लाकर नहीं दिए तो मैं तेरे साथ साथ पूरे गांव वालों को यहां से बाहर निकाल दूंगा। भाई मैं उसी गांव का हूँ, अगर रातों रात पैसे नहीं दिए तो गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। रात भर सोचा मैंने इसके बारे में, उसके बाद मैं खुद ही चलाया तुम लोगों को इस गांव से निकालने के लिए। अरे रे रे, अब तक तो लोग मुझसे डरते थे, आज तुमसे डर लग रहा है भाई। भाई तुम्हें जिसे डराना है उसे डराओ, जिससे भी भाईगिरी करनी है भाईगिरी करो, लेकिन मेरे साथ लफड़ा नहीं, क्योंकि मैं किसी के साथ क्या करता हूँ मैं खुद नहीं जानता। आराम से रहना, दोबारा मुझसे मत मिलना, ठीक है ना भाई? अरे बाप रे, बहुत खतरनाक था। ए सुन, तुझे डर लगा तो तू क्या करेगा? छोटा पैकेट लूंगा, उसे घुमा के खोलूंगा, पानी में डालूंगा और पी जाऊंगा, फिर सीधी सुबह होगी। जितना बोलता है उतना ही घूमता रहता है। ए पिटली, तुझे डर लगेगा तो तू क्या करेगा? कोई मुझे डरा सके उसमें ये दम नहीं। आई एम पिटली, लड़ो मुझसे। तू बोलता कम है और घूमता ज्यादा है, अब देखते हैं कि मुझे कौन डराता है। अब उसे बताना होगा कि बॉस कैसे होते हैं। यहाँ आकर जो उसने धमकी दी उसकी सजा हम जरूर देंगे। अच्छा सुन, इसको जरा रस्सी से बांध कर रख दे। ठीक है बहन जी। नमस्कार मालिक। इधर आने के बाद ही मिलते हो और कहीं भी नहीं मिलते हो। होटल के ऊपर कर्जा लिए हुए एक साल हो गया, 3 महीने के पैसे दिए हैं, उसके ऊपर एक रुपया भी नहीं दिया है, कब दोगे? आपके पैसे चुका दूंगा, थोड़ा समय और दे दीजिए। थोड़ा और समय दे दीजिए, हम पैसे वापस दे देंगे। वो हमारा पैसा थोड़ा ही है जो हम रुक जाएं, सरकार का है, हमारा काम है वसूली करने का। अभी 1 महीने का टाइम देता हूँ, कैसे भी करके भर दो, अगर नहीं भरा तो मैं फिर आऊंगा, समझ गए? सुनो, ये केस हाई प्रायोरिटी पर रख दो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। मुझे सब पता है, जल्दी बता मुझे। मुझे कुछ नहीं पता। क्या बोतल दे मुझे, अब ये जरूर बताएगा। लो आ गया मछली, थोड़ा बच के रहना इससे। सविता, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो ये लव एट फर्स्ट साइट है क्या? सविता, तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे, तू अपना काम कर, जा, मैं इससे बात करती हूँ। तुम हमारे बीच में क्यों आ रही हो? मैं इसकी फ्रेंड हूँ। ओह, तुम्हारी दोस्ती मैंने देख ली, अच्छा काम होने नहीं देती, लड़के लोग इसके पीछे घूमते, अच्छा लगता है क्या? सही समय देख करके इसके गले में मंगलसूत्र डालूंगा। इसके बारे में कुछ भी मत बोल, वो मेरी फ्रेंड है। अरे तो तुम बीच में इतना टांग क्यों उड़ाती हो? तुम्हारी जैसी दोस्त हो तो हमारी ट्रेन कभी ट्रैक पर नहीं आएगी, जा यहाँ से। हे भगवान, ये लेटर देने के बाद काश ये मुझसे प्यार करने लगे। हाँ?
लेटर के साथ मेरा दिल भी जला दिया। अभी आग बराबर की लगी है मजरू जी, ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ तुम्हारा ड्रामा नहीं चलेगा। ये सब करना है तो तुम कृष्ण मंदिर चले जाओ, वहाँ पर जाकर ये लीला करना, यहाँ पर तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो। सारी कोशिश बेकार चली गई, लेकिन हार नहीं मानूंगा। अबे धड़क मत बहारा। चलो फाइनल करते हैं, बेस्ट एंड लास्ट प्राइस 10 लाख। क्या बोल रहा है, ये कोई छोटी मोटी चीज है? 25 लाख से 1 रुपया कम नहीं लेने वाला मैं। तू नहीं लेगा तो किसी और को दे दूंगा। ए सुन, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, चल तुझे एक और ऑफर देता हूँ। बोल। 5 लाख कैश दूंगा और तेरा जीवन भीख में दूंगा। ए, ये सब नाटक नहीं देखने आया मैं यहाँ पर। 25 लाख दे रहा है तो डील कर, मेरे पास टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है। ए, चलो रे यहाँ से, इस गांव में ये अकेला ही नहीं है जिसके साथ डील की जा सकती है। ठीक है तो डील कैंसिल। अब भगवान से तुम यही प्रार्थना करना कि वो तुम्हें सही सलामत रखे। मांजा, क्या हुआ? वो हमारी बात नहीं मान रहा था, इसीलिए मैंने उसे भाई, इधर कोई लड़का भाग के आया? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा और हेलमेट पहन के खा कैसे रहा है? अरे हम लोग उसे ढूंढ लेंगे, तू बस आराम से तरबूज खा। भाई टेंशन मत लो, वो जहाँ कहीं भी मिलेगा ना, बहुत जम कर मारेंगे उसे। तू तरबूज लेकर सूंघ क्यों रहा है? चुपचाप खाएगा कि मैं तुझे खिलाऊं? मेरा हेलमेट अपने सर पर डाल के रखा है, दे इधर। बाबे, तुम हो क्या? तुझे क्या लगा हम लोग तुझे बस ऐसे ही छोड़ देंगे? तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं एक बहुत बड़ा डॉन हूँ, लोग मुझसे बहुत डरते हैं, सारे लोग मेरे नाम से थर थर कांपते हैं। तू क्यों नहीं डर रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है? जो मेरी बात नहीं मानता है मैं उसे जान से मार देता हूँ। तुझे मरना है कि जीना है? पता है तू हमारे बॉस के बारे में क्या सोच रहा है? कि ये बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है, गधा है, कमीना है, हरामखोर है, एक ऐसा आदमी जो धरती पर बहुत बड़ा बोझ है। एक्स्ट्रा डायलॉग नहीं बोलने का, उसे बाहर फेंकने का, और जो लिख के लाया है उसे बोल। एक मिनट, कल सूरज डूबने से पहले तुझे हमारे हाथ में बाकी के पैसे देने ही होंगे। हाँ। अगर ऐसा नहीं किया तो पूरे गांव को आग लगा देंगे। अरे नहीं, छोड़ दो। अरे किसने छोड़ने को बोला? अरे यहाँ कैसे, यहाँ कैसे? अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि तुम वसूली करोगे, पीछे तुम लोग यहाँ तक आ गए। हाथ में छुरी है, मुझे डर लग रहा है, मुझे ही टारगेट करने वाले हो ना? नहीं नहीं नहीं, बहुत डर लग रहा है, डर लग रहा है मुझे। अरे भाई जब तुम डरते हो तो हमें और डर लगता है। डरते हो, हम तुम्हें देख के डरते हैं। अरे ये तो बस नकली चाकू है। अरे बाप रे, ये इसे हम लोग अगर ऐसे ही डरते रहे तो हम भाई लोगों का कोई लेवल ही नहीं रहेगा उसका। अब उन लोगों को कुछ करना पड़ेगा भाई। अरे करे तो क्या करे, अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, उसे कोई पोस्ट दे देते हैं। जितनी जल्दी हो सके एक बोतल लेकर मीटिंग करेंगे, सब बराबर हो जाएगा। जबरदस्त प्लान है, निकाल अपनी शरबत की बोतल। जा बच्चू। ये किसको लेकर आई? पापा, ये मुझसे शादी करना चाहता है। हे भगवान, इनकी शक्लों से तो लग रहा है कि ये मुझे खा जाएंगे। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? थोड़ा गुड़ भी लेती है ना साथ में। तुम में थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है या ऐसे बेशर्मों की तरह घूमते हो? ये हमेशा मुझे देखकर गाना गाता है, आ गई मोहिनी, आ गई मोहिनी, आ गई मोहिनी कहता है। तो अब क्या करेंगे, दामोदर का बेटा है ना तू, कोई भी बाप अपनी बेटी को ऐसे ही नहीं दे देता।
जो काम धाम करता है बेटी उसी को दी जाती है। इधर उधर घूमने के बजाय कुछ काम ढूंढ और पैसे कमा, चल जा। पैसा होगा तभी अपनी बेटी की शादी कराएंगे, इसका मतलब। ओ तो इसे ये हिसाब समझाना ही पड़ेगा। अरे वो अंदर हिसाब किताब की बुक रखी, जरा लेके आना। परसों का हिसाब जोड़ा है ना इसमें? हाँ हाँ जोड़ दिया है। देखो बेटा, मैंने अब तक इसके ऊपर 8,150,000 रुपए खर्च कर दिए। जिस दिन तुम्हारे हाथ में इतने पैसे होंगे मुझे लाके दे देना। क्या कहा, 8,00,000? हाँ 8,00,000। अगर तू इसे बीच में छोड़ के चला गया तो इसका क्या होगा, कौन ध्यान रखेगा इसका? ओ, फ्यूचर प्लान। और एक बात सुनो, अगर मैं इसकी शादी तुमसे करवाता हूँ तो उसमें जो मंत्र बोलूंगा और चावल डालूंगा ना, उसके 1,200 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ लेना। हेलो, आज से तुम्हें 1 महीने का टाइम मिलता है। उससे पहले अगर तुम मेरी बेटी से मिले तो तुम्हारी खैर नहीं। आप जरा चुपचाप बैठिए। ए सुन, तू मेरी बेटी के लिए फिट नहीं है। अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं ही तेरी शादी करवा देती। देख, पुलिस बनने का सपना छोड़ दे और दूसरा कोई काम ढूंढना शुरू कर दे। देखो, मैं दूसरा काम करने वाला नहीं हूँ। अपनी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढिए और शादी कर दीजिए। ए हेलो, मेरी माँ ने ऐसा क्या कह दिया? दूसरा काम ढूंढने के लिए ही तो कहा है ना। हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं हमारे ऊपर छोड़ दो। अपने स्वार्थ के लिए उसे बदलने की कोशिश मत करो, वरना तुम लोग बदल जाओगे। और सुनिए, अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ सकता मैं। किसी की शर्त पूरी करने के लिए मैं अपने आप को बेच नहीं सकता। बेटी को संभालिए अपने। छह महीने से मैं उस हीरे के पीछे लगा हूँ। दुबई में सीनू को मैंने क्यों जुबान दिया? पीठ पीछे कोई माल ले जाए, अपने को पता न चला, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मांझा, अभी तुझे हीरा मिला या नहीं? सामने वाले पार्टी को जबान दे चुका हूँ, हाँ? जबान खाली नहीं जानी चाहिए। सीनू तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारा काम हो जाएगा। बस 1 हफ्ते का समय और दे दो। पार्टी वाले को टाइम दे देकर थक चुका हूँ, जितना जल्दी हो करो। मांझा तुम टेंशन मत लो, सबको बोल दिया है, वो मूर्ति अपने पास ही आएगी, गारंटी। भास्कर, तुम्हें काम नहीं मिल रहा इसलिए टेंशन में हो? ऐसा कुछ नहीं पापा, सभी समस्याओं का हल तो होता ही है, लेकिन समस्या क्या है ये समझ नहीं पा रहा हूँ। देख भास्कर बेटा, तुम पुलिस ही बने यही हमारा सपना है। तुमने बताया तब जाकर हमें पता चला। देख अभी हमारी परिस्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है बेटा, फिर भी तू मना मत करना। ये ले, तेरे सपने को सच करने का रास्ता यहाँ से ही शुरू होता है। नहीं माँ, मेरे ऊपर बहुत एहसान है, अब और नहीं चाहिए माँ, भगवान माफ नहीं करेगा मुझे। भास्कर मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, तुम्हें देना मेरा अधिकार है। ये ले पकड़, रख ले बेटा, रख ले, रख ले बेटा। बोलो। पापा का कितना कर्ज है ये पूछने आया था मैं। देखो भाई, मैं उनको कर्ज के बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये हमारी ड्यूटी है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्लियरेंस भी आया था। ये 2,00,000 है, इसके बाद जो भी बचेंगे उसे बहुत जल्दी चुका दूंगा मैं, पापा को पता ना चले प्लीज। मैं क्लियरेंस बताता हूँ, उनका बाकी सब जोड़कर 56,350 भरना है। अभी और 1 महीने का टाइम है, उतने में आप भर देना। ठीक है, चलता हूँ मैं। हाँ, बाद में आते वक्त पापा को भी लेते आना। इट्स ओके सर। जितना सोच रहा हूँ उतनी टेंशन हो रही है, समझ में। और लाऊं साहब? ले आओ। अरे भाई डोसा का क्या हुआ? अब क्या हुआ तुझे? पुलिस बनने का सपना देखा था, मगर होटल का कर्ज इतना है कि
समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, और लड़की का बाप 8.5 लाख रुपए मांग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, सपने कैसे पूरे करूंगा। देख भाई, मैं क्यों काम कर रहा हूं? पैसे कमाने के लिए। अब सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा है, 10 लाख रुपए जमा कर पुलिस की नौकरी लग जाएगी। तू जैसा सोच रहा वैसा नहीं है, अलग दुनिया है यार। देख रहा हूँ कि ये दुनिया कैसी है, आदमी से ज्यादा पैसे से प्यार है लोगों को, कोई इंसानियत नहीं। मैं बदलूंगा, बदल के दिखाऊंगा। मेरे ड्यूटी का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। तू इसी गांव का है ना? मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। 10 करोड़ का हीरा है इस गांव में। सुन बाबू, मुझे पूरा विश्वास है कि तू इस काम में मेरी मदद जरूर करेगा। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो मुझे पता है, दूसरी बात बोलो। मेरे प्यार में भी मुसीबतें आ रही है, मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? उस दिन मैं अपने पिताजी और माँ से डरकर कुछ नहीं बोली। उस दिन मैं तुम्हें अपने घर पर पहचान कराने के लिए ले गई, वहाँ भी तुमने उल्टी ही बात कर दी। मैं वैसा ही हूं, पर मुझे तुम चाहिए। मैं जो कहती हूं वो मान लो, दूसरा कोई काम करके पैसा जमा करो। पता चल गया, सबको सिर्फ पैसे चाहिए, आदमी किसी काम का नहीं, कहीं से भी लाए कोई मतलब नहीं। छे भास्कर, मैं तुम्हें अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ, मुझे लगा कि तुम समझोगी, लेकिन तुम भी मेरी बात तो सुनो। ये दुनिया ऐसे जीने नहीं देती, उससे लड़ना पड़ता है। बदलूंगा मैं, बदल के दिखाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। जैसा सोचता है दुनिया वैसी नहीं है। मेरी बात मानो, दूसरा कोई काम करके पैसे जमा करो। तू तो बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बनने वाला था, चोर बन गया तू। आज से तुम्हें 1 महीने का टाइम मिलता है, उससे पहले अगर तुम मेरी बेटी से मिले तो तुम्हारी खैर नहीं। अगर मेरे पास पैसा रहता तो मैं ही तेरी शादी करवा देती। पुलिस बनने का सपना छोड़ दे और दूसरा कोई काम ढूंढना शुरू कर दे। 10 करोड़ का हीरा इस गाँव में, तू मेरी मदद जरूर करेगा। सोचा था कि जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन मेरी समस्या बढ़ती चली गई। दुख मेरे पास नहीं, बल्कि मैं ही दुख के पास चला गया। शायद यही मेरी नियति है। हेलो, ए भाई, एक बार में इसको गटक जा, अंदर का तुम्हारा सारा डर फिर से भाग जाएगा। ये मेरी आदत नहीं है। तुमने तो बोला था तुम पीते नहीं हो। क्या है कि तुम्हारे डर से पी गया। अच्छा वो सब जाने दो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है वो मुझे बताओ। तुम्हें कसम है मेरी, मेरी कुंडली में लिखा था कि मैं किसी से प्यार करूंगा और प्यार हो गया, और अब उस लड़की के लिए एक दूसरा लड़का भी है, अब जाके पता चला। तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसके लिए कोई दूसरा लड़का भी है, और मैंने जिस लड़की से प्यार किया उसके तो दो दो पति हैं। अगर वो मान जाए तो तू तीसरा पति बन जा। बैंक का लोन बाकी है,
पुलिस बनने के लिए लोग अंदर से 10 लाख रिश्वत मांग रहे हैं और मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। समय भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ 1 महीना बचा है। अरे भाई ये सब तुम क्या बोल रहे हो? ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो मैंने एक फैसला किया है। तुम लोग किसी 2 नंबर के बिजनेस वाले को जानते हो क्या? ये बात तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? मेरे पास एक आइटम थी। आइटम? वो वाली आइटम नहीं, 2 नंबर वाला आइटम। उसको बेचना है, कैसे होगा? एक मिनट, हम लोग बस अभी ट्रेनिंग में है मेरे भाई। तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास भी एक बहुत जबरदस्त आइटम है। क्या है, कौन है वो? हमारे बॉस चुलबुल पांडे। बस 1 दिन का समय दे दो, उनसे बात करके तुम्हारे पास भेजता हूँ। बस 1 कंडीशन है। कंडीशन? क्या है बोलो। आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं डराओगे, तुम मुझे कोई तकलीफ नहीं दोगे, तब मैं उन्हें तुम्हारे पास भेजूंगा। डील मंजूर है? अब जल्दी से हाँ बोल दो भाई। अरे एक बार तो हाँ बोल दो। अरे बस हाँ बोल दो एक बार। ओके चलता हूँ। देखा तुमने, प्लान सफल हो गया। अब हमें कोई नहीं डराएगा। अब कल से हम लोग पहले के जैसा ही जो चाहेंगे वो करेंगे। तो भाई निकालो अपनी शरबत की बोतल जल्दी। वो देखो, वाओ, ए, ओहो, वाओ। बस मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है हमारे लिए यहाँ पर खड़ा रहना बिल्कुल बेकार है। बॉस मुझे एक आइडिया आया है। अभी घड़ी में 9:30 बज रहे हैं। अगर हम लोग अपने पेट में कुछ डाल लेते हैं वो भी ठंडा ठंडा, तो पेट एकदम ठंडा रहेगा। अपन अभी आधा बोतल और पेट में डालते तो और ठंडे हो जाते। चलो सब साथ में आओ, चलो। इसमें चुलबुल पांडे कौन है? तुम लोग क्या हंसते हो? चुलबुल पांडे को नहीं जानते? चुलबुल पांडे को नहीं जानते? ये सब कौन है? ये सब मेरे फ्यूचर को फ्रेंड है और मैं पांडु हूँ। हम सब लोग पांडु हैं। करेक्ट बोला, हम लोगों ने लोगों ने करेक्ट बोला। आगे हाथी वाली डैम, अकेले आके बात करो। वो तुमने अपने सर पे टोपी को पहन रखी है? वो क्या है, एक दिन ऐसी जोर से हवा चल रही थी तब सर के ऊपर बाल उड़ने से कुछ महसूस हुआ, उसके बाद मैंने शादी करने के लिए सोचा, टकला ना दिखे इसलिए टोपी पहन ली। मेरे बाजू में एक लड़की रहती थी, उससे मैं प्यार करता था और बाजू के रूम में पात्री लोग रहते थे, तो मैंने पात्री से पूछा ऐसी हवा कब आती है? तो पात्री बोला ऐसी हवा आती रहती है, मुझे क्यों अच्छा? महसूस नहीं हुई। तो पात्री बोला जब बाल ही नहीं है तो क्या महसूस होगा, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तुम्हें पप्पी देना चाहता हूँ। पप्पी मुझे? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। कुबड़ा मंजा सीता, अरे कहाँ गए तुम लोग? मुझे नहीं चाहिए, अरे जल्दी कराओ। नहीं वैसा नहीं है, मैं तुम्हें क्या कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये ओरिजिनल है क्या? सर्टिफिकेट है क्या? ओरिजिनल सर्टिफिकेट है मेरे पास। इसका कितना मिलेगा? अच्छा ये बताओ कि शादी में तुम्हारे लिए ढेर सारा दहेज मिलना इम्पोर्टेंट है या फिर अच्छी लड़की मिले ये इम्पोर्टेंट है? अरे दहेज इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इसे बेच दोगे तो तुम्हें 10% कमीशन मिलेगा। लड़की और कमीशन के पीछे लोग पागल हो ही जाते हैं। अगर मैं इसे बिकवा देता हूँ तो मुझे मेरा कमीशन तो मिलेगा ना? अगर ऐसा कोई काम आ जाता है तो कोई टेंशन नहीं रहता, इसको तो बेच के ही रहूंगा। जय भोलेनाथ।
क्या भाई तुम भी मेरा एक छोटा सा काम नहीं करवा पा रहे हो। भाई घूम घूम के पूरा थक गया हूं, अभी एक लास्ट पार्टी और है, कुछ होगा तो देखते हैं। ओ लास्ट पार्टी भी आ ही गई। नमस्ते। मैंने बोला था ना यही है वो नागराज। हाँ हाँ मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक हीरा है और मेरे पास एक पार्टी है जो उसे खरीद सकती है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, लाखों में नहीं करोड़ों में खेलोगे। मेरी बात मानो तो डील आज ही पक्की कर लो। बाबू भाई का एड्रेस ये है, लो बात कर लो, डील होने के बाद मुझे मेरा कमीशन पहुंचा देना, ठीक है? अब मैं चलता हूं। देख भाई हाँ? आज मुझे थोड़ा सा काम है। हाँ? तू अकेले चला जाना और जाके मिल लेना। हाँ? ठीक है। हाँ। हाँ बोलो भाई। बाबू इतने दिनों से जो तू ढूंढा था वो हीरा मेरे पास आया है, तू कैसे भी करके उसे ले ले, बस मुझे उसके 50 लाख चाहिए। 50 लाख क्या, उससे भी ज्यादा दिलवा दूंगा। सबसे पहले उसको इधर भेज दे। पार्टी को तेरा एड्रेस दिया, आगे डील करना तेरा काम है। इतने दिनों से हम जिसे ढूंढ रहे थे आज वो खुद चल के हमारे पास आ रहा है। क्या हुआ रे भाई, वो भाग गया भाई। क्या राहुल का मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ इस बाबू बाटली से भागना इतना आसान समझ लिया है क्या? चुपचाप को आइटम इधर दे दे। सुन के इतना घबरा गया, सामने आऊंगा तो क्या होगा रे? कौन है रे तू? तू मेरे सामने क्यों नहीं आता है? मार डालूंगा तुम्हें। भाई तू कौन है, हमारे सामने कहां से आ गया है? देखता नहीं सामने कौन है, जाता कर माफी मांग। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। हम कसम खाते हैं आज के बाद ऐसा काम नहीं करेंगे, तुम्हारे पैर पड़ते हैं भाई। यहाँ किसी पिक्चर की शूटिंग चल रही है क्या? बाबू बाटली बाबू। ए बाटली बाबू, तुझे फिल्मों का डायलॉग बोलने का बहुत पुराना शौक है ना, वैसे ही मुझे पिटाई कर देगा, आजमाना चाहोगे तुम लोग? क्या हो रहा है, कौन सा तरीका है ये? मैंने तुम्हें पार्टी से डील करने भेजा था और तुम हो के पार्टी को मारते हो। हाँ, पार्टी है क्या? हाँ यही पार्टी है। सॉरी सॉरी तेरे पास जो पत्थर है ना वो मुझे चाहिए,
अर्सुन, जिस गांव में बोलूं वहां पहुंच। कौन सा गांव? विट्ठल गांव का नाम सुना है ना? मेरे से तू अपने आप को मर्द समझता है तो विट्ठलवाड़ी आकर मुझे फोन कर। ए भास्कर, तू आने से डरेगा तो नहीं ना? तू इतने प्यार से मुझे बुला रहा है, अगर नहीं आया तो मेरी इज्जत घट जाएगी। जरूर आऊंगा। क्या है? क्या है? और तेज चला। अब कहाँ जाएगा मैं? हीरे के बारे में जब तुझे पता चला तो तूने मुझे बताया नहीं और खुद ही डील फाइनल की। ये बात मांझा को पसंद नहीं। There is no compromise. देख भाई, हाँ। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर और है। अच्छा, 2 किलोमीटर? हाँ। तुम्हारा चावली मुड़ी के साथ कुछ हुआ था क्या? चावली मुड़ी बीच में आया तो छोड़ूंगा नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति आई तो आग लगा दूंगा। इधर आगे है कामाची भगवान का मंदिर। भास्कर, इधर मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ बताया। आ गया भाई तुम्हारा एड्रेस। आ गया। ये लो। ये 20 रुपया दिया क्या? ये 20 रुपये ही है ना? हाँ 20 है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, पर मैंने 30 रुपया बोला था ना। इनका हिसाब गड़बड़ हो गया। 30 रुपये? हाँ 30 रुपये हुए। कितने लोग आए हम? तुम दो लोग हो। हम इंसान है, तुम नहीं हो क्या? तुम भी हमारे साथ आए हो। अभी 3 जन, मतलब तू 10, ये 10, मैं 10, तो दो लोगों का 20 हुआ, हिसाब बराबर। थोड़ा दिमाग से तो सोचो, मुझे यहाँ से खाली जाना। खाली बच्चा, खाली जाना ही नहीं। एक काम कर, वो पत्थर उठा और अपने रिक्शे में डाल के ले जा। सुबह सुबह मुझे बेवकूफ बना दिया। छम्मा छम्मा, बताओ क्या? तुम्हारा सिर नहीं है, तबला दिख रहा है। जालंधर,
तुझे समझ में नहीं आता है कहाँ है? जहाँ देखो वहीं चालू हो जाता है। अरे तू चुप करना मेरे भाई, इतने सालों के बाद कोई लड़की देख रही है। अरे सिर पर बाल नहीं है तो क्या हुआ मेरे भाई, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मेरी बात सुन, ये जगह बहुत अच्छी नहीं है, जिस काम से आए हैं वो काम कर, नहीं तो इस गांव के बारे में कहानी सुनी है ना। अंजा, मैंने बोला उसको, वो गांव में पहुंच चुका है, सिर काटो और पत्थर लेकर आओ। एक साल से हमारा दिमाग खराब हो रहा है उस चीज के लिए। अगर वो काम हो गया ना तो दुबई में सीनू को और भरोसा हो जाएगा हमारे ऊपर, अपना धंधा और अच्छा हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ, मेरी तरह बिजनेस कर, वो पत्थर किसी तरह ले ले। अभी भी 2 दिन का समय है तेरे पास, सोच ले जल्दी से, पैसे का बंदोबस्त कर लेना। भाई मुझे उस पर डाउट होता है, ऐसा लग रहा है कि वो अकेले सारा कमीशन खाना चाहता है। प्रिंट हो गया क्या? रेडी है सर। स्टेशन का प्रिंट आउट हुआ क्या? उस तरफ जाइए सर। ओके। भास्कर तू यहाँ इस गांव में? मेरे फ्रेंड का भी यही गांव है, इसीलिए आया। अच्छा, वो क्या है पीछे? फोटो है। अरे दिखाना। कुछ नहीं है। ओ, सविता का फोटो है। हाँ तू कभी नहीं सुधरेगा। अच्छा सुन ना भास्कर, ये गांव सही नहीं है, ये वही गांव है जहाँ पुरानी चीजों की चोरी होती है, तू जरा संभल के रहना। हाँ ठीक है। मेरा नाम लेके तुम लोग मेरा नाम खराब करते हो। अरे भाई, इतने बड़े घर में वॉशिंग मशीन नहीं है क्या? धोने की यहाँ तक आवाज सुनाई दे रही है। नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन की आवाज नहीं है। पत्थर वाली पार्टी रेडी है। थोड़ा आराम कर, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मांझा, वो पत्थर वाली पार्टी यही है, भास्कर नाम है इसका। पत्थर दिखा मुझे। ना ये ले। सर्टिफिकेट दिखा। मेरी बात सुन, मुझे बिजनेस में भरोसा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए धोखा मत देना, और अगर तुम लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ा तो फिर मैं क्या करूंगा तुम सोच नहीं सकते। हम लोग वैसा कुछ नहीं करने वाले, हम लोगों के लिए पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्यादा बात मत करो, इनको यहाँ से भेज दो। 3 करोड़ से एक पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। इसकी एक कॉपी चाहिए मुझे। हाँ हाँ। पैसों का इंतजाम करने के लिए 3 दिन का टाइम चाहिए, तब तक तुम इस पत्थर को ना तो किसी को दिखाओगे और ना ही किसी को बेचोगे। हाँ चलेगा। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। मिलते हैं। हेलो, मैंने फोटो भेज दी है, कंफर्म करके फोन करो। मांझा सुपर, वो असली है या नकली बता नहीं सकते। पत्थर तेरे पास ही है ना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, मेरी महबूबा जैसी दिख रही है। अरे अरे सविता, इस गांव में? ये मेरी दादी का गांव है, पर तुम जैसे बड़े लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बाबा, पैसे कमाने का एक रास्ता दिखा,
जितनी जल्दी हो सके तेरे पापा को रास्ता दिखाऊंगा। क्या 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 क्या? अरे कुछ नहीं, खूब सारे पैसे जमा करके तेरे पापा के पास जाऊंगा। वो सब छोड़, कैसे हैं मेरे ससुर जी? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम कड़क है। कड़क तो है ही वो, घर पे आने के बाद एक गिलास पानी तक नहीं पूछा उन्होंने, कैसे भूल सकता हूँ। एक दिन उनके घर के पानी का नल बंद कर दूंगा मैं। देखो तुम ऐसे मत बोलो, तुम्हें जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ऐसा बोल रहे थे। ओ अभी पता चला, वैसे तुम्हारी मम्मी भी कुछ कम नहीं है। देखो तुम्हारी ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हेलो, ये आकाशवाणी है, संस्कृति के बारे में बताना चाहता हूँ। ब्रह्मानंद देवानंद सागर। आकाशवाणी से मुझे क्या, वातावरण यहाँ का ठीक है। कौन बोल रहा है? इधर से बोल रहा हूँ बिल्ला। उधर से बोल रही हो क्या? म्याऊ। जो बात करनी है वो कर, मुझे फालतू की बात नहीं सुननी। अबे कौन बोल रहा है? उस दिन की बात, हवा चल रही थी, तुमने मुझे देखा और मैंने तुम्हें देखा और कुछ कुछ हुआ ना। लेवी 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 लेवी। ए सुन, मेरा नंबर किसने दिया तुझे? पहले अपनी शक्ल देख, फोन करके परेशान कर रहा है। दोबारा फोन किया ना तो वाट लगा दूंगी, हमें बोलेगा कि नहीं कि कौन बोल रहा है। बहुत बुरा हाल बना दूंगी तेरा मैं। ए आकाशवाणी की औलाद, कौन है वे तू? कौन है? तेरा बाप बात करती है, चल जा अंदर। अरे ये कौन बोल रहा है? अभ्युदय किरण बोल रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो। मैं तो मजाक कर रही थी। तुमने ही मुझे नंबर दिया था, ऐसे भी कोई गाली देता है क्या? बुरा मत मानना। नहीं ना। सुन ना, मैं तो तेरे लिए ही बनी हूँ। अगर मैं शादी करूँगी तो तुझसे ही करूँगी। करेगा ना मुझसे शादी? क्या बोल रही है? पापा से बात करेगा ना? तेरा पापा देखकर गाली तो नहीं देगा ना? नहीं नहीं, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। बात तो कर लो, अच्छे से शादी करवा देंगे। अभी दो दिन छोड़ के मैं आके बात करता हूँ, अभी एक पप्पी देता हूँ, तू भी मुझे दे दे। अरे जल्दी देना, और एक देना, और देना। क्या ऊपर वाले, तेरी भी कैसी माया है, मेरी एकमात्र लड़की के लिए तूने ऐसा टकला लड़का भेजा, कुछ तो सोचा होता। हेलो मंजा, 100 साल जियोगे तुम, तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था। तुमने जो फोटो भेजी थी और मेरे पास की फोटो, दोनों सेम टू सेम है। ऐसा क्या? I'll give you best offer. ये डील कितने में भी कर, मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा और इसके अलावा 10% कमीशन भी दूंगा, बस वो पत्थर मेरे पास पहुंचा दे। बस समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। जो डील 1 साल में नहीं हुई, बस 1 दिन में हो जाएगी। तुम बस टेंशन मत लो, जैसे ही पत्थर मिलेगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ओके वेरी गुड, उतना ही कर, तक तुम्हारा फोन नहीं आ जाता मैं पार्टी को होल्ड पे रखता हूँ। बाय बाय। 10 करोड़। छे, अब बीच में बांट लिया आएगा तो उसको 1 करोड़, उसको 1 करोड़, इसको 1 करोड़। लेकिन अगर पत्थर मैंने लिया तो मुझे 10 करोड़, अगर पत्थर मेरे तो मुझे कितने मिलेंगे? 10 करोड़, 10 करोड़। भाई अगर उसे कुछ किया तो सबको पता चल जाएगा, इसलिए हमें सोच समझकर कोई चाल चलनी होगी, कोई दूसरा रास्ता। सबके लिए मेरे पास एक रास्ता है। वाह वाह,
ऊपर से नीचे आई परी लग रही है, मुझे मेरे कान में आवाज सुनाई दे रही है। कैसी आवाज? हमें भी सुनाई दे रही है। वो कैसे? यहाँ से। सीजन चल रहा है ना, तो कोई बैंड वाला मिला नहीं तो मोबाइल में रिकॉर्ड करके चला दिया। पापा, मेरा एक छोटा सा डाउट है। क्या हुआ बोल? ये तेरी सगी बेटी है ना? क्यों पूछा? तुमने मुझसे कुछ नहीं पूछा, वोटर आईडी नहीं पूछा, ना आधार कार्ड के बारे में पूछा। तुमने अपनी बेटी का हाथ सीधे मेरे हाथ में दे दिया। आप कितने अच्छे हैं पापा। तब एक जैसे ही तो हैं। फिर बेकार शक करके टेंशन क्यों लूं? समझ में नहीं आया, फिर भी समझ गया पापा। पब्लिक लोग टेंशन में कुछ भी कर सकते हैं, समझ समझ के ना समझ बनने में ही फायदा है। ए, क्या बकवास कर रहा है? ये सब देखकर मेरा पीने का मन कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा, खुशबू भी कुछ वैसी ही आई। जरा टाइम तो देखे, ओहो 10:30, ये तो बिल्कुल सही टाइम है। थोड़ा बहुत पियेंगे तो पेट बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, क्या बोलते हो? मंगलसूत्र बांधेगा मुझे। बांधने तो दो पापा। मंगलसूत्र बांधेगा पापा। शादी हो गई अपनी? अरे बांधने तो दो। मुझसे शादी करेगा? मुझसे? इतनी हिम्मत हो गई तेरी कि तू मुझे मंगलसूत्र बांधेगा? अभी बताती हूँ तुझे, मैं भी देखती हूँ तू मुझे कैसे मंगलसूत्र बांधेगा। पापा कहाँ चले गए? पापा पापा। अरे मंगलसूत्र तो बांध दे दो। मुझसे शादी करना चाहता है? कहाँ भाग गए सबके सब? जरा भी सीरियसनेस नहीं है ना? लड़के वाले मान गए हैं, अब मैं क्या करूं? 5 दिनों के बाद मेरी एंगेजमेंट है। अगर उससे पहले तुमने कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी और उस लड़के को भी नहीं मिलूंगी। पिताजी, मना करने के बाद भी तू इस नालायक से मिल रही है? ऐसे नालायक के साथ जिंदगी बिताने चली है? ए, इधर सुन, तू मेरे बेस्ट फ्रेंड का बेटा है इसलिए मैंने अब तक तुझे कुछ नहीं कहा, पर अब तू इतना जान ले कि ये लड़की तेरे लिए बिल्कुल नहीं बनी है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दे मेरी बेटी को। अरे सुरेश, क्या हुआ तुम्हें? एक लड़की को प्यार करके मैं बर्बाद हो गया यार। उतना ही नहीं, देख ये लड़के लोग और ये लड़की लोग और ये आराम का पैसा। दोनों एक साथ मिलके चले गए अंदर। यही गलत सोच रहा है तू, लड़की लोग अंदर चली जाती हैं, बेचारे लड़के बाहर ही पड़े रह जाते हैं। सही है।
हेलो, दिस इज बुलिंदर टॉकिंग, एक्सक्यूज मी, साइलेंस प्लीज। सुरेश, खाली हो गया क्या? एक गिलास उठा और उसे भर ले। डालू क्या? जीवन में बहुत तकलीफ है, लाइफ खराब हो गई। बस 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 इतना ही। क्या कर रहा है? खेलेगा मेरे साथ? सिर्फ खेलूंगा नहीं, मार डालूंगा तुझे। कैसा भेस बदला था तुमने? मैंने सोचा भी नहीं था तू ऐसा करेगा। 3 करोड़ देने का उसे, तू देगा क्या? बोल, तू देगा? मैं कितना टेंशन में हूँ तुझे नहीं पता। कुछ भी हो, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सुन ले बाबू, तू पैसे देकर प्रॉब्लम सॉल्व कर। मैं तुझे पैसे क्यों दूंगा रे? तू पैसे का इंतजाम कर। समय ठीक नहीं चल रहा है। चाहे कुछ भी कर, तू पैसों का इंतजाम कर। उसे पैसे देने हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। एक बात याद रख, अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो हमारे लिए बहुत ही बुरा होगा। दुबई का सिनू कल आएगा। तू अपनी पार्टी को समझा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कुछ भी कर, उसे लेकर आ। ये बताओ वो कौन से रूट में है? मैं उसे बुलाता हूँ यहाँ। मुझे नहीं पता, तू उसे ढूंढ कर बात कर, और सीनू के आने के पहले उसे लेकर आ। हम निकल यहाँ से, जा जल्दी जा। बाबू मेरी बात सुन, इसकी बात मत सुनो। अगर इसकी बात में पड़ोगे तो चोरी के केस में अंदर चले जाओगे। छे, मेरे से जो भी हो सकता था वो मैंने कर दिया। उसे मारा पीटा, अब बताओ क्या करना है? हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, लेकिन हमारा साथ ऊपर वाला ही नहीं दे रहा है। हमारी हालत बहुत से बदतर हो गई है। आराम से, आराम से। सब काम सिर्फ पैसे से नहीं होता है, थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना पड़ता है। इसके आगे का दिमाग मैं दूंगा, वो हीरा मुझे ढूंढते हुए आएगा। बस मैं जो बोलता हूँ वो करते जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, डील खत्म होने के बाद आधा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। लक्ष्मी, अरे कौन है ये लोग? हे भगवान, अरे मत मारो।
क्या? ये क्या कर रहे हो? पता नहीं। नहीं। क्या कर रहा? मत मारो। मत मारो। अरे मत मारो। कहाँ है तुम्हारा चोर बेटा? चुपचाप हमें बता दो, वरना वो तो मरेगा ही, साथ में तुम सबको भी मार दूंगा। कौन हो तुम? भास्कर की दारा है। भास्कर को कुछ मत करना, कुछ मत करना भास्कर को, प्लीज। छोड़ दो, मत मारो। ये क्या कर रहे हो? नहीं। हेलो भास्कर, तुम्हारा काम हो गया। पैसे? पैसा रेडी है, वो हीरा लेकर तुम मेरी फैक्ट्री में आ जाओ। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। किधर है? पैसे किधर है? मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं, सीधे मुद्दे पर आओ। मार्केट में हीरे की वैल्यू कितनी है मुझे भी पता है और तुझे भी पता है। मुझे पैसों की जरूरत है, सो कैश एंड कैरी, लव एंड मैरी। पैसों की जरूरत तो सबको रहती है। मेरे पास जो भी आता है उसको मैं बेस्ट प्राइस देता हूँ, तुझे भी मैं एक अच्छा ऑफर देता हूँ बाबू। अरे हाँ, तुमसे कोई बात करना चाहता है। हेलो। हेलो भास्कर बेटा। माँ, देख तू मेरा बेटा है, तू कभी चोरी कर ही नहीं सकता। ये लोग चाहे कुछ भी बोले, इनके सामने तू अपना सर मत झुका रहा बेटा। अरे अरे मुझे फोन दो। तुझे जीवन में बहुत सारे कीमती पत्थर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। और हाँ, तेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। सही कहा तूने। माँ बाप की कीमत के सामने ये हीरा सिर्फ पत्थर है। सुन, तू जैसा चाहता था हीरा तुझे मिल चुका है। अगर मेरी फैमिली का बाल भी बाका हुआ तो तेरी बॉडी को सेंटीमीटर में तोड़ के रख दूंगा बाबू। हुआ मांजा? सिनु, तुम्हारा काम हो गया, वो हीरा मेरे पास है, अब तुम वहां से निकलो। गुड न्यूज मांजा, मैं पार्टी से बात करके तुझे बताता हूँ, तू पूरी तैयारी करके रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गया ना? बाबू अब इधर अपना क्या काम, चलो चलते हैं। इसका क्या करोगे? इसे यही मरने दो, ये हमारे किसी काम का नहीं, जंगली जानवरों के काम आएगा।
अब चलो यहां से। सही टाइम पे आया तू। तुम्हें पता कैसे चला? मैंने मांझा की गाड़ी में तुम्हें देखा और तभी मुझे शक हो गया। उसके बाद मैं तुम्हारे पीछे लग गया। आखिर ये सब क्या हो रहा है दोस्त? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? आखिर उन्हें पता कैसे चलता है हमारी फैमिली कहाँ है, हम कहाँ जाते हैं, हम क्या करते हैं? कौन बताता है आखिर? Cheers! Yes! तुमने जो आइडिया दिया उसी की वजह से ये हीरा हमारे हाथ आया। अपनी प्रॉब्लम फुल स्टॉप। कल शाम को इसी समय हमारे हाथ में पैसा ही पैसा रहेगा। क्या हुआ? ये तो डुप्लीकेट हीरा है। ध्यान से देख, ठीक से चेक कर। मैंने चेक किया है, तभी तो बता रहा हूँ इसमें केमिकल लगाया है। मुरली, भास्कर किधर था तू? मैं बाहर था, पर तुझे बताए बगैर मैंने गलत काम किया। कौन सा काम? मेरे पास जो हीरा है वो असली है, और वो हीरा जो उनके पास है वो डुप्लीकेट हीरा है। ओरिजिनल मेरे पास है। तुमने जो हीरा दिया वो डुप्लीकेट था क्या? हाँ। तुमने मुझसे बिना पूछे काम क्यों किया भास्कर? परिस्थिति मुरली, मेरे पास टाइम बहुत ही कम था। इस हीरे को खरीदने के लिए सीनू दुबई से ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुका था। तू कैसे भी करके कॉन्टेक्ट कर और एक मीटिंग फिक्स कर। हीरा बिकने के बाद पैसे 50-50। ये मुझ पे छोड़ दे, बस इतना ध्यान रख कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, तू उधर ही रुक, मैं अभी वहाँ आता हूँ। मेरी एक हेल्प करेंगे आप? क्यों नहीं, मेरी फैमिली को जल्दी से जल्दी दूसरी जगह पहुँचाने की व्यवस्था करें। बाकी सारी बातें फोन पे कर लेंगे। हाँ, ये किसी को पता ना चले। अच्छा, सब कुछ पता चल गया। वो किधर है बता, हम उसे उठा के ले आएंगे। चुप करो यार तुम लोग, जब देखो मारपीट मारपीट मारपीट। इस मामले में मैं इन्वॉल्व हूँ ये वो भी नहीं जानता। बाद में वो नहीं मिलेगा। दुबई सीनू से डील पक्की करो तुम, और हीरो की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। ठीक है? ठीक है। अब अपने पास सिर्फ 4 घंटे का समय बचा है, तब तक तू व्यवस्था कर ले। चल गाड़ी निकाल। ये सब क्या है? अरे वो सब छोड़ यार, दुबई सीनू का कुछ पता चला क्या? सब ओके हो गया है, 4 घंटे में अपनी मीटिंग फिक्स है। वो सब छोड़, हीरा कहाँ है? हीरा मैंने उस्मान के हाथ में दिया है, उसकी टेंशन मत ले। उस्मान? वो कौन है? वो अपने गांव का ही है, उससे हीरा लाने की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन, तू यहाँ से निकल जा वरना तेरे ऊपर अटैक हो सकता है। अटैक? मेरे ऊपर अटैक क्यों करेंगे आप? डुप्लीकेट हीरा दिया तो चुपचाप छोड़ देंगे क्या? हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हीरा कहाँ है ये पता चल गया, मैं उसे लेके आता हूँ। Woo!
इज्जत से पूछ रहा हूँ, चुपचाप बता दे हीरा कहाँ है। भाई हमें मालूम है, चुपचाप बता दे। देना भाई हीरा चाहिए, उस तरफ देखो, बताता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे मजाक करता है। इज्जत से बता हीरा किधर है। दिया, बोलता हूँ बोलता हूँ, पहले हाथ तो खोलो मेरे। क्या बताएगा ना? बताऊंगा, हाथ तो नहीं जाएगा ना। जल्दी से मेरे हाथ खोलो ना। खोल दे इसको। गांव से निकलने के टाइम मैं उसका वीडियो बना के आया था। तूने मारी एंट्री यार, तूने मारी एंट्री यार, यही छोड़ यार। डिंग 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 डिंग। ये कौन सा सीनू है? ये ही है सीनू। ये सब क्या नाटक हो रहा है? मंजा बाटली, ये सब क्या है? बोल नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। क्या क्या हा? हमें जाने दो, हमें कुछ नहीं पता। जल्दी बता, उससे अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन वो आया क्यों नहीं? अरे वो समय बर्बाद नहीं करता है। बोल कौन है वो, कौन है वो? वो बुलेट पर आता है, देख आवाज आ रही है। पहले जब शरीफ पर यूनिफॉर्म नहीं था तो तुमने कैसे उसे मारा था? गौर से देखो, वो यूनिफॉर्म पहन कर आया है, उसके कंधे पर 3 स्टार भी है। और अब तुम्हारी कहानी खलास। खचक खचक खचक। हाँ मैं ही हूँ। तो तू पुलिस वाला है? तो हमें बेवकूफ क्यों बनाया? ताकि मैं तुम लोगों तक पहुँच सकूँ, ये सब नाटक था। अरे तो क्या वो नहीं आया? क्यों आएगा, पागल है क्या? तुझे एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। 15 साल पहले गजापुर मंदिर में भगवान की सोने की मूर्ति चोरी हुई थी, वो चोर तू है। तुझे एक बच्चे ने पकड़ लिया था और चोरी का इल्जाम तूने उस बच्चे के ऊपर लगा दिया। उस बच्चे को अपनी माँ और गाँव से अलग होना पड़ा। तुझे उसी पाप की सजा देने आया हूँ। इसका मतलब तू भास्कर है? सही पहचाना, मैं वही भास्कर हूँ। मुरली, आस्तीन के सांप, नाग मंदिर के पास जब मुझ पे अटैक हुआ तो तेरी बाइक भी गुंडों के पास थी। उसके बाद मेरी फैमिली पे अटैक, मुझ पे दोबारा अटैक, अटेम्प्ट मर्डर। वाह सुपर स्टोरी। हीरा किधर है? हीरा, हीरा अपनी जगह पे ही है। हीरे के लिए तू यहाँ पे आएगा, ये कहानी मैंने पहले से ही बना रखी थी। और तुम लोगों की कहानी भी मैं ही बना रहा था, सारा स्क्रीन प्ले मेरा ही था। तुम लोगों की कहानी अब जेल में ही जाकर खत्म होगी। सुपर स्टोरी, अब तुझे क्लाइमेक्स मैं दिखाता हूँ। ए, उठा के ला रहे उसको। माँ, मैं तुम्हारा पास कर माँ। माँ, मैं तुम्हारा भास्कर हूँ। माँ, मेरा भास्कर, भास्कर बच्चा, भास्कर, मैं तुम्हारा भास्कर हूँ। माँ, मैं जिससे भी धंधा करता हूँ उसकी पूरी डिटेल निकाल के रखता हूँ। तेरी बिना डिटेल निकाले आया हूँ, ऐसा सोच रहा था क्या? hey!
नहीं, छोड़ दो। अब देख तेरी कहानी में कैसा ट्विस्ट आता है। बंद कर अपना ये फैमिली ड्रामा। तुझे पहचानने में मुझसे भूल कैसे हुई? नहीं, मत मारो मेरे बच्चे को। मेरे बेटे को छोड़ दो, भास्कर को छोड़ दो। नहीं, इसे मत मारो बेटा। मेरे बच्चे को छोड़ दो। ए, तुझे धीरे के बारे में सब पता था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। भास्कर, मुझे धोखा दिया, अब मरने के लिए तैयार हो जा। मेरे बेटे को। नहीं, मत मारो। मर गया ये। केस क्लोज्ड। भास्कर, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, ए भगवान। उठ जा, उठ, उठ बच्चा, उठ मेरे बच्चे। उठ जा बेटा, इन्होंने तेरी माँ की जिंदगी बर्बाद की है। ए भास्कर, उठना, उठ। तू हम सबको इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जा सकता भास्कर। उठ 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 जा, उठ 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 मेरे दोस्त, उठ उठ जा, जा। नहीं, 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 हमें माफ कर दो। नहीं।
हमें छोड़ दो। तुम जैसे लोगों को मारने के लिए सरकार ने एक खिलौना दिया है, आज मैं खेल लेता हूँ इससे। नहीं 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 भाई नहीं। गुड लक मेरा, बैड लक तुम्हारा। पिक्चर में गुंडों को हीरो जैसा दिखाते हैं, लेकिन एक गुंडा कभी हीरो नहीं हो सकता। रियल लाइफ में अगर कोई हीरो होता है तो कौन होता है? पुलिस वाला होता है। पुलिस का मतलब पावर, और पावर मतलब अरे बेटा, तू पुलिस में है, तूने कभी पहले बताया नहीं। भास्कर, गुड लक फॉर योर वेंचर, टेक इट। पता चल गया क्या? हाँ पता चल गया, पता चल गया। हेलो, अंदर सब लोग क्या कर रहे हो? आई एम जॉनी, आईडियाज जनार्दन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पर मंथ 1 लाख सैलरी। सैलरी वैलरी छोड़ दे बेटा, यहाँ सब खत्म हो गया है, तू जा अपने घर जा। कार में मम्मी पापा बैठे हैं, लेके आऊं क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। शादी में ही लेके आना। ओके सॉरी सॉरी सॉरी।